हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। इस चैनल में आपको क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स का वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का पहला चैप्टर ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। All living beings need food for their survival. It helps us to grow. Let us know about what our food is composed of and what makes it a balanced diet. तो दुनिया में या फिर कहें कि अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं, उन सबको फूड चाहिए होता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। क्यों? क्योंकि जो फूड हम लोग खाते हैं वो हमें ग्रो करने में मदद करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो बनता कैसे है और वो बैलेंस डाइट में कैसे बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं। Food is one of our basic needs. It fuels our body. We cannot live without food. It is food that gives us energy, help in growth, builds and repairs our body tissues and keeps us safe from diseases. Plants and animals are the two major sources of food. जो फूड होता है ये हमारा एक बेसिक नीड है, जो हमें रोज चाहिए होता है। ये जो फूड होता है ये हमारे बॉडी का फ्यूल की तरह काम करता है। हम लोग फूड के बिना नहीं रह सकते। ये जो फूड है ये हमें एनर्जी देता है, हमारे ग्रोथ को बढ़ने में हेल्प करता है, हमारे जितने भी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट है उसे बिल्ड करता है या फिर जो डैमेज हो गए उसे रिपेयर करता है, और जो डिजीजेस हमारे अंदर होते हैं उससे हमें सेफ रखता है। मेजर सोर्सेज ऑफ फूड दो होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल जो हैं ये दो मेजर सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जो फूड हम लोग खाते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में कंसिस्ट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स रीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन डिटेल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिटेल में। सो न्यूट्रिएंट्स, The food we eat contains certain substances, namely carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals that are essential for our growth and development. These special substances are called nutrients. जो food हम लोग खाते हैं उनमें कुछ substances present होते हैं, जैसे कि carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, जो कि हमारे growth और development के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये जो special substances है इन्हें ही हम लोग nutrients कहते हैं। क्या कहते हैं? Nutrients. Different types of foods are rich in different nutrients. Let us discuss about them in detail. तो अलग अलग तरह के फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। पहला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। Proteins are the building block of our body. They are the body building nutrients as they help in growth. They also help to build. Eggs, meat, soya bean, nuts, fish and pulses are rich in proteins. Proteins जो होते हैं ये हमारे body में building block होते हैं, ये हमारे body में growth का development करने में help करते हैं, इसीलिए इन्हें body building nutrients कहा जाता है। जैसे कि eggs, meat, soya bean, nuts, fish, pulses ये सब proteins में rich होते हैं। अगर हम लोग ये सब खाते हैं तब हमारे body में proteins मिलता है, body building nutrients मिलता है। कॉलीफ्लावर, केल, कैप्सिकम एंड स्पिनच एक्सेट्रा आर सम ग्रीन वेजिटेबल्स विच आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर, केल, कैप्सिकम एंड स्पिनच। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrates give energy to our body, therefore they are called energy giving nutrients. Sugar and starch are two types of carbohydrates. Carbohydrates जो होते हैं ये हमारे body को energy देते हैं, इसीलिए इन्हें energy giving nutrients कहा जाता है। Carbohydrates दो type के होते हैं, sugar and starch. Carbohydrates are required by our body to utilize the nutrients like proteins and fats.
राइस व्हीट पोटैटो स्वीट पोटैटो ब्रेड एंड बनानास आर सम रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये हमारे बॉडी में इसीलिए रिक्वायर होता है ताकि जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स और फैट्स जमा है उसका यूटिलाइज किया जा सके, यूज किया जा सके। राइस व्हीट पोटैटो स्वीट पोटैटो ब्रेड बनाना जो भी खाना होता है, जो भी फूड होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी वार्म। फैट्स आर ग्रीसी सब्सटेंसेस फाउंड इन घी ऑयल चीज बटर एंड नट्स। फैट्स जो होते हैं इन्हें भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, लेकिन फैट्स जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी को वार्म यानी कि गर्म रखने में मदद करते हैं। फैट्स जो होते हैं ये ग्रीसी सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं जैसे कि घी ऑयल चीज बटर एंड नट्स। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट ओबेसिटी। अगर हम लोग फैट वाला खाना या फैट वाला फूड को ज्यादा खा लेते हैं तब उससे क्या होता है, हमारे को ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब कि एक इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, इसीलिए हमें ज्यादा फैट्स का फूड नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिंस एंड मिनरल्स। विटामिंस एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिंस कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस। ए बी सी डी ई एंड के आर सम टाइप्स ऑफ विटामिंस। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्स एंड फिश आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिंस। विटामिंस और मिनरल्स जो है इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी में छोटे छोटे यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होता है। विटामिंस जो होता है ये हमारे बॉडी को फिट रखता है और बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। विटामिंस के भी टाइप्स होते हैं जैसे विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्स फिश ये सब विटामिंस के गुड सोर्सेज होते हैं। अगर हम लोग ये सब खाते हैं तो हमारे बॉडी को विटामिंस मिलता है। मिनरल्स हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो वेल एंड डेवलप प्रॉपरली। आयरन आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम ऑफ द मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। मिनरल्स जो होता है ये हमारे बॉडी को अच्छी तरह से ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्प करता है। आयरन आयोडीन और कैल्शियम कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब में मिनरल्स पाया जाता है। आयरन जो है ये हमारे बॉडी में ब्लड को फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एप्पल्स कैरेट्स एक्सेट्रा ये सब आयरन के कुछ प्रोमिनेंट सोर्सेज है। अगर हम लोग ये सब खाते हैं तो हमारे बॉडी को आयरन मिल सकता है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे बॉडी में बोन्स और टीथ होता है तो कैल्शियम जो है ये हमारे बॉडी को चाहिए होता है ताकि बोन्स और टीथ का अच्छी तरह से फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट है वॉटर एंड रफेज। वॉटर एंड रफेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ। वॉटर और रफेज जो होता है ये हमारे पूरे हेल्थ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें मोर देन टू थर्ड पार्ट यानी कि दो तिहाई हिस्सा से भी ज्यादा पानी से बना होता है। वॉटर जो है इसकी मदद से हम लोग अपने बॉडी में जितने भी वेस्ट है उससे छुटकारा पा सकते हैं और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सकते हैं। वाटर जो है ये मदद करता है ताकि जो फूड हम लोग खा रहे हैं उसे डिजॉल्व कर सके, डाइजेस्ट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके। देयरफॉर हमें रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 टू 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। रफेज इज दैट पार्ट ऑफ द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन। कॉर्न कैबेज बीन्स ओट्स होल ग्रेन फूड एक्सेट्रा आर सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज जो है ये फूड का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसकी मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन जो हमारे पेट का बहुत ज्यादा ही कॉमन डिजीज है। कॉर्न कैबेज बीन्स ओट्स होल ग्रेन फूड एक्सेट्रा ये सब जो फूड है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रफेज का। अगर हम लोग ये सब खाते हैं तो हम ये सब प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट।
A diet that contains adequate amount of all the necessary nutrients with roughage and water is called balanced diet. तो balanced diet हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा diet जिसमें सारे nutrients एक adequate amount में present होते हैं with roughage and water उसे balanced diet कहा जाता है. This means eating a diet that contains a variety of food items and eating food that is not processed. तो balanced diet अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग अलग अलग तरह के food items भी खाते हैं जिसके साथ साथ हम लोग वाटर भी लेते हैं और रफेज भी लेते हैं. फूड दैट हैव बीन प्रोसेस्ड टू मच डू नॉट लुक लाइक द वे दे एग्जिस्ट इन नेचर. जिस फूड को ज्यादा प्रोसेस करके खाया जाता है वो नेचर में जैसा दिखता है उसके जैसा नहीं दिखाई पड़ता. जैसे कि मैंगो आइसक्रीम जो होता है ये मैंगो फ्रूट का एक प्रोसेस्ड फॉर्म होता है. मैंगो फ्रूट से ही मैंगो आइसक्रीम बनाया जाता है तो जो मैंगो आइसक्रीम है वो मैंगो फ्रूट जैसा नहीं दिखता. बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बैलेंस डाइट हमें क्यों करना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? ताकि हमारे बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके. अ फूड पिरामिड टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट वी शुड ईट. द फूड आइटम्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिरामिड कैन बी कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटी बट द फूड आइटम्स विच आर प्लेस्ड ऑन द टॉप शुड बी कंज्यूम्ड इन लेस क्वांटिटी. वी शुड ट्राई नॉट टू ईट अनप्रोसेस्ड फूड. जो फूड पिरामिड है इसका पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ होगा. ये हमें बताता है कि हमें किस तरह के और कितने तरह के फूड खाने चाहिए और कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए. जो फूड आइटम्स पिरामिड के बेस में यानी सबसे नीचे में प्रेजेंट हो सकते हैं उसे हम लोग लार्ज क्वांटिटी में भी खा सकते हैं, लेकिन जो फूड आइटम्स टॉप पे प्रेजेंट होते हैं उसे हमें कम खाना चाहिए. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि प्रोसेस्ड हो, ज्यादा अनप्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए. We can adopt healthy food swaps like eating brown rice instead of white rice or using jaggery instead of white sugar. तो हम लोग कुछ healthy food habits भी apply कर सकते हैं. जैसे कि जो हम लोग white rice खाते हैं उसके जगह अगर brown rice खाएंगे तो वो बहुत healthy होगा. जहाँ पे हम लोग white sugar use करते हैं वहाँ jaggery यानी कि गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ज़्यादा healthy होगा. Our daily food intake should follow a balanced diet and our meals should be planned according to the portion size and food groups as given in the food pyramid. हम लोग जो रोज का खाना खाते हैं उसमें balanced diet होना चाहिए और जो हम लोग meals लेते हैं वो planned होना चाहिए कि हमें कितना खाना है और कितने quantity में खाना है, जैसे कि food pyramid में दिया रहता है. ये जो आप picture देख रहे हैं ये food pyramid का picture है. इसमें जो लोअर बॉटम पे प्रेजेंट है इसको हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं, इसे भी खा सकते हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है ये सबको ज्यादा नहीं खाना चाहिए. जैसे कि स्वीट्स, डेरी, एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज. हम लोग फूड को बर्बाद होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? We are aware that food is an essential part of our survival. It helps us in our growth and development. We should not waste it as there are other living beings who might need it. We can adopt various habits to reduce food wastage. ये तो हम लोग जानते हैं कि फूड जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है. ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है, इसीलिए हमें खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो दूसरे लिविंग बींग्स है उन्हें इसकी जरूरत हो सकती है. तो हम लोग कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग फूड को बर्बाद होने से रोक सके या फिर कम कर सके. सो सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्टेज आर एज फॉलोज. तो पहला है, यूजुअली वी थ्रो द अनफिनिश्ड फूड ऑन आवर प्लेट्स, देयरफॉर वी शुड टेक ओनली स्मॉल सर्विंग्स ऑफ फूड विच वी कैन इजिली फिनिश विदाउट ओवर ईटिंग. तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो हम लोग प्लेट में खाना लेते हैं वो हम लोग आधा अधूरा छोड़ देते हैं, इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना लेना चाहिए ताकि उसे हम लोग ज्यादा भी ना खा पाए और कोई भी फूड वेस्ट ना हो सके. We should avoid cooking food in large quantities. In case we do have a lot of food, we should refrigerate it for later use. तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हम लोग जो खाना पकाते हैं हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं पकाना चाहिए. अगर ज्यादा क्वांटिटी में पक जाता है तब उसे फ्रिज में या फिर रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए ताकि उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके. We should check our refrigerator and cupboard for stored food. We should use the food that have expiry date closer or are at risk of going bad first so that we don't have to throw it. हमें हमेशा रेफ्रिजरेटर और कबर्ड को चेक करते रहना चाहिए जो फूड उसमें स्टोर है, क्योंकि जो फूड में सबसे पहले एक्सपायरी डेट आने वाला है या फिर
खराब होने वाला उसे हमें पका के पहले ही खा लेना चाहिए ताकि उसे फेंकने की नौबत ना आए। We should give any food that is in surplus to our helpers or guards in the vicinity or to the beggars on the roads to ensure that it does not spoil and get wasted. अगर खाना बच जाता है, अगर बहुत सारा खाना बच जाता है, तब हमें उसे बांट देना चाहिए अपने helpers को, guards को, या फिर जो road पे beggars बैठे रहते हैं उन्हें, ताकि इससे हम लोग ensure कर सके जो food है वो खराब भी ना हो और waste भी ना हो। We should wash the fruits and vegetables in running water, pat dry and store them in refrigerator so as to prevent early spoilage. जो हम लोग fruits और vegetables market से खरीद के लाते हैं उसे पहले running water यानी कि चलता हुआ पानी में धो लेना चाहिए, उसके बाद उसे dry करके refrigerator में store करना चाहिए ताकि वो जल्दी खराब ना हो। We should store food items properly because most of the food items, if kept outside for a long period and not preserved, can get spoiled and consumption of such food items can make us fall ill. हम लोग जो food items खाते हैं या रखते हैं उसे ऐसे अच्छे से रखना चाहिए ताकि जो food items है वो safe रह सके, क्योंकि अगर जो food items है उसे बाहर हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक बाहर ही छोड़ देते हैं और स्टोर नहीं करते हैं तब वो खराब हो जाते हैं और उन खराब खाना को हम लोग जब खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। There are different ways of preserving food items. Some of these are as follows. और भी ways है जिससे हम लोग food items को preserve कर सकते हैं, जैसे कि पहला है canning. In this method of preservation, food items like jam, sauces, fishes, etc. are kept in airtight cans. तो canning में क्या होता है, जो food है जैसे कि jam, sauce, fish, ये सब को हम लोग airtight cans में रखते हैं ताकि ये preserve रह सके और खराब ना हो। Next way है pickling. In this method, oil and spices are used to preserve food. For example, mango, lemon, garlic, etc. are preserved by pickling. इस मेथड में क्या होता है, जो फूड है उसमें हम लोग ऑयल और स्पाइसेस डाल के उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पिकलिंग मतलब कि अचार बना देते हैं, जैसे मैंगो का, लेमन का, गार्लिक का, ये सब हम लोग पिकलिंग करके या फिर कहें कि इसका अचार बना के हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीप फ्रीजिंग। In this method, fruits and vegetables are kept inside the freezer at a very low temperature. Meat and fish can be preserved by this method. तो इस method में क्या होता है, जो fruits और vegetables है इसे हम लोग freezer में रखते हैं, वो भी बहुत low temperature में, ताकि जो food है वो जल्दी खराब ना हो। Meat और fish जो होता है उसे इसी तरह से preserve किया जाता है। Next है drying. In this method, food item is dried in the sun. Remove the water content from the food. It is one of the oldest methods of food preservation. Many fruits, vegetables, herbs, etc. are preserved using this method. तो इस method में क्या होता है, जो food item है उसे पहले धूप में dry किया जाता है ताकि उसमें जितना भी water का content है या जितना भी moisture है वो food से निकल सके। ये जो drying का process है या फिर कहे कि drying का जो method है, ये बहुत ही पुराना method है food को preserve करने के लिए। बहुत सारे fruits, vegetables, herbs को ऐसे ही प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन। इन दिस मेथड फूड आइटम्स आर केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। इस मेथड में क्या होता है, जो फूड आइटम्स है उसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बहुत सारे जो कुक्ड आइटम्स होते हैं, जो पका हुआ खाना होता है, उसे रेफ्रिजरेटर में ही डाल के प्रिजर्व किया जाता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।